अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखना है तो व्यस्त रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पूर्वज कह गए हैं कि व्यस्त रखना हमारे लिए एक वरदान साबित होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है, जीवन चलने का नाम है। ये तो सच है ना, इसे तो मानना ही पड़ेगा कि जीवन चलने का नाम है। अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य ज़रूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो ये वीडियो जो हम अभी आप लोग के स्क्रीन पे आ रही है, ये वीडियो है बुधवार की, मतलब कि ये वीडियो है 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर का ही जीतिया का आप लोग टाइटल पढ़े ही होंगे कि जीतिया की तैयारी चल रही है। तो जीवित पुत्री का, जीवित जीतिया का व्रत जो होता है बिहार झारखंड में और यूपी में रखा जाता है। यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ झारखंड में कैसे जीतिया के व्रत रखते हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उसकी तैयारी बुधवार से ही शुरू हो गई थी, मतलब 4 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ जीतिया का जो पर्व है, जो व्रत है, वो बहुत शुद्धता के साथ रखा जाता है। मतलब पूरे झाड़ पोछ लहसुन प्याज का कहीं से भी कोई अंश नहीं रहना चाहिए। जहाँ जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अपनी रसोई की साफ़ सफाई की जाती है गहराई से। यहाँ इसी तरह होता है और हर साल हम इसी तरह जीतिया का व्रत रखते हैं और इस साल भी इसी तरह रखेंगे जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और जीतिया की साफ़ सफाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन बाहर बारिश रुकने का नाम ही ले रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसीलिए मुझे सूखे कपड़े से सफाई करनी पड़ रही है, सूखे कपड़े से सबको पोछे हैं, नहीं तो अगर धूप रहता तो बाहर निकाल के अच्छे से ये सबको धो देते। और समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सूखेगा, कपड़ा जो धोएंगे वो कैसे सूखेगा, सबसे ज़्यादा टेंशन वहीं लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, करनी है, त्यौहार है तो करनी ही है, और उपवास है। ये सब करने से, इनकी तैयारियों करने से इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतना अंदर से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलने लगती है कि हमारा दिलो दिमाग में जागृति भी फैल जाता है और अंदर से ताजगी का अनुभव होता है। चलिए, चाहे मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये मन में जब सेट हो जाता है कि करना ही है तो बस उपाय तो अपने आप मिल जाता है। बस इसको सूखे कपड़े से ही पोछ पाछ के सारा साफ़ किए थे, क्योंकि धोना तो है नहीं, धो नहीं सकते, बारिश हो रही है, सूखेगा ही नहीं। पहले का ही 3-4 दिन का कपड़ा पड़ा हुआ है, सूख ही नहीं रहा है कपड़ा, तो और धो के गीला नहीं करेंगे। तो बस कोशिश किए कि सारा साफ़ कर दिए। रेक ऊपर पहले ही साफ हम कर चुके थे चकाचक से, उसके बाद नीचे लगे थे कि नीचे आराम से बैठ के करेंगे। और इन सब रेकों में ना, ये सब जो बास्केट है, ये सब में थोड़े से जाले वाले लग ही गए थे, तो इसी बहाने साफ ही हो जाते। और एक बात तो माननी पड़ेगी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ के जितने भी त्यौहार आते हैं, जितने भी व्रत उपवास आते हैं, सारे में घर की नकारात्मकता तो निकलती ही निकलती है। मतलब और मन भी इतना खुश हो जाता है, इतना साफ़ सफाई के बाद तो अंदर से हमें खुशी मिलेगी ही, क्योंकि लगने लगता है कि वाह कितना अच्छा से साफ़ हो गया। तो सूखे कपड़े से ही हम पोछे, लेकिन अच्छे से हाथ दबा दबा के पोछे, और थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा, यहाँ जब हम माइका पोछ रहे थे तो हल्का सा कपड़ा को हल्का सा बस भिगाए थे ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और देखिए बाहर का नज़ारा भी खिड़की से दिख रहा होगा, बहुत है, चारों तरफ बादल ही बादल छाया हुआ है। और ये वीडियो तो हम बुधवार की ही है, बुधवार से ही हम स्टार्ट किए थे, क्योंकि कल हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन नहाए खाए हैं, आप लोग किस दिन नहाए खाए कर रहे हो ये ज़रूर आप लोग शेयर करना। ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं बाहर की स्थिति, बाहर किस तरह से बारिश हो रही है। ये बारिश रुकने के नाम ही नहीं ले रही है, आज 4 से 5 दिन हो गए और बारिश बंद ही नहीं हो रहा। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा, लेकिन हाँ इस बार जीतिया का व्रत बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, चारों तरफ मौसम ठंडा ही ठंडा है। और ये जीतिया का व्रत निराजली रहता है, मतलब निराजली अष्टमी के दिन किया जाता है, नवमी का पारण किया जाता है। तो इधर के लोग तो सारे लोग कर रहे हैं बृहस्पतिवार को ही नहाए खाए, और शुक्रवार का उपवास रहेगा और शनिवार का पारण रहेगा। आप लोग कैसे कर रहे हो ये आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करना कि आप लोग किस दिन का कर रहे हो। तो सारा कुछ तो यहाँ का साफ़ किए थे और ये फुटपैड रह गया, तो फुटपैड को भी साफ़ करना ही करना है। साफ़ सफाई वाली काम आज ही कर लेते हैं बुधवार के दिन, कल नहीं कर पाएंगे ना इसीलिए। लेकिन बारिश हो रही है तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब हम धोएं तो धोएं कैसे। अभी हम रख दे रहे हैं, देखते हैं अगर दिन भर में कभी भी बारिश छूटा तो इसको धो देंगे।
अभी तो बस स्नान करने की तैयारी हो रही है। और यहाँ देखिए, आप लोग को दिखाते हैं, और बुधवार को ही हम सारा बर्तन भी धो लिए थे, ताकि बर्तन और बुधवार से ही लहसुन प्याज सब छोड़ दिए थे। यहाँ ना झारखंड में थोड़ा शुद्धता का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, मतलब और खाने पीने में भी जो नहाए खाए का खाना बनेगा उस दिन भी शुद्धता का ही खाना बनेगा, वो सब नहीं बनता है जो उधर बिहार तरफ बनता है। बिहार में बनता है मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, ये सब बनता है ना, लेकिन झारखंड में नहीं बनता। झारखंड में क्या क्या बनता है ये आप लोग के साथ शेयर करेंगे, आप लोग देखना ज़रूर। और यहाँ पे रसोई पूरा चकाचक साफ किया, आप लोग को दिखा रहे हैं कि कितना, देख लीजिए कैसे साफ किए हैं। चूल्हा भी धोए थे और ऊपर भी, मतलब अच्छे से सर्फ से रगड़ रगड़ के साफ किए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट नहाए खाए के दिन, मतलब बृहस्पतिवार के दिन 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर के दिन यह स्नान करने के बाद अब आ गए हैं आप लोग के साथ फिर से बातें करने। और सबसे पहले यहाँ स्नान करने के बाद ये काम किया जाता है, मतलब कुछ नहीं पहले खाया पिया कुछ नहीं जाता, मुंह में पानी भी नहीं लिया जाता है, उसके पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो ये कौन सा काम करते हैं ये देखिए, ये काली मूंग है, मतलब देहाती मूंग है इसी को, और ये देखिए प्लास्टिक फट गया पूरा छिटा गया। तो ये ना इसको पहले, सबसे पहले फूलने के लिए देते हैं साफ पानी में अच्छे से, मतलब वो नहीं कि नमक के नमक में नहीं लगना चाहिए। और ये इस तरह से फूलने के लिए इसको साफ पानी में दे दिए और इसको साइड में रख देते हैं कहीं। आज पूरे दिन और पूरे रात आज का ये फूलेगा, उसके बाद कल इसको कपड़े में बांध के रखेंगे ताकि इसमें स्प्राउट आसानी से आ जाए, अंकुरित हो जाए। ये अंकुरित होगा तभी चूल्हों और सियारों को दिया जाता है, उसके बाद इसका अंकुरी बनता है। यहाँ झारखंड में इसी का बनता है, ऐसे ही होता है। तो उसको हम डाल के अच्छे से फ्रिज सब पोछे ही थे, साफ किए ही थे, तो ऊपर रख दिए, आराम से वो फूलेगा रात भर में, मतलब नहाए खाए के दिन ही डाल दिया जाता है फूलने के लिए। यहाँ इसी तरह होता है, सालों से मैं ऐसे ही करते आ रही हूँ और ऐसे ही करती रहूँगी। तो ये हो जाता है ना कि मायके का जो नियम होता है, सिस्टम होता है, मतलब रीत रिवाज होता है, वो आपको ससुराल में काम नहीं देगा। ससुराल का जो रीत रिवाज है वही आपको काम देगा। तो देखिए यहाँ पे मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ था, तो मैंने बेडशीट जो कल धोया था ना, तो यहाँ डाल दिया कि थोड़ा सूख जाए किसी भी तरह भगवान, ताकि बिछाने के लायक हो जाए। तो जिस बिछौने पे आप सोते हो, जिस बिछौने पे बर्तियाँ सोती हैं, यहाँ जो व्रत करती हैं वो सोएंगी धोया हुआ बिछौना पे, वो पहले वाला बिछौना हटा के। तो बस यहाँ पे वही सब चल रहा था, और सारी सब्जियाँ को यहाँ लेके बैठ गए थे। आज सब्जियों का ही दिन है, जो सब्जी पहले नहीं खाते हैं वो सब्जी आज खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के लाना है और उसको बना के खाना है, मतलब कंदा झींगा ये सब सब्जी आज बनता है। होता है ना हमारे यहाँ हर त्यौहार का दिन आता है, हर चीज़ का एक एक दिन आता है, हर सब्जियों का। और यहाँ बीध के लिए, मतलब शगुन के लिए, अच्छे शुभ के लिए बनाया जाता है पुआ नहाए खाए के दिन। तो बस हम ज़्यादा नहीं, उठगन के लिए बनाया जाता है कि बच्चों को दिया जाता है, जिस दिन जब सरगही करने उठते हैं ना, उस समय बच्चों को उठा के उठगन करवाया जाता है। तो मतलब सप्तमी के समय ही उठगन होगा, अष्टमी से उपवास शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा जाता है कि सप्तमी को ही उठगन कर देना है, बच्चों को देना है थोड़ा थोड़ा सा, बच्चों को बगल में लेके उसे देना है थोड़ा सा, और आपको भी सरगही करना है, ऐसे ही उठगन होता है यहाँ। लेकिन बच्चे तो है नहीं यहाँ पे मेरे, तो बस हम 5 पुआ बनाए थे, बस सुबह के लिए थोड़ा सा 5 ऐसे ही बना दिए थे, क्योंकि आज छना तला खाएंगे तो कल उसका असर दिखेगा, कल बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आज वैसा ही नॉर्मल खाना खाना है, ना ज़्यादा नमक, ना ज़्यादा तीखा, और ना ही मीठा, और ना ही छना तला, क्योंकि कल प्यास अगर लग जाए तो ये निराजली है, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है जब तक कि नौमी तिथि ना आए, पारण ना आए। तो देखिए यहाँ पे मेरा खाना पीना बन गया था सारा, और अब हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि जीतिया के नहाए खाए की थाली हम कैसे तैयार किए थे, ये आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग देखना।
इधर मड़ुआ की रोटी नहीं खाई जाती है, गेहूं की रोटी खाई जाती है। तो देखिए पुआ है, रोटी है, चावल है, दाल है, लौकी की सब्जी है, कांदा की सब्जी है, भिंडी की भुजिया है और साग है, बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो आज जितिया का नहा खा किसके किसके यहाँ हुआ ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बहुत जगह कल भी है और आज भी है नहाए खाए, तो दो दिन हो गया है। तो जितिया थोड़ा सा हो जाता है ऐसे, हर बार का कुछ न कुछ इसमें लगा रहता है, क्योंकि इसमें अष्टमी और नवमी का बात रहता है कि अष्टमी में उपास होना चाहिए और नवमी में पारण होना चाहिए, ये वाला तिथि के हिसाब से हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा होता है इधर उधर। और इस बार दो श्रावण पड़ा था ना, तो इस बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो बस वही, तो मेरी सिंपल सी थाली तैयार हो गई, बस यही बनता है इधर। तो इधर का जो सिस्टम है, मतलब ससुराल के तरफ का जो सिस्टम है, जो नियम है, जो रीत रिवाज है, बस वही फॉलो करते हैं हम, अपने मन से कुछ नहीं करते, क्योंकि मैके वाला नियम काम नहीं देगा, वो यहाँ नहीं काम देगा, यहाँ बस यहाँ का ही नियम काम देगा, और अपने अपने स्टेट के हिसाब से रीत रिवाज अलग हो जाए, वही फॉलो करती हूँ, अपने मन से कुछ नहीं करती, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले का जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, वो जो नियम बनाए हैं, जो रीत रिवाज बनाए हैं, वो सबको सहूलियत ध्यान में रख के ही नियम बनाया गया है। तो चलिए इसी के साथ अब टाइम हो गया टाटा बाय बाय कहने का, फिर मिलते हैं आप लोग से, पारण के दिन मिलते हैं, तब तक के लिए।